हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 21 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैच से रिलेटेड टॉस मैच सेशन की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 5 मार्च को इंडिया टाइम को, सर शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फिर दो टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं, लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो रिसेंटली अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, तो जहां 5 में से 3 मैच जीत के आ रही, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, तो 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है और 1 मैच जीत के आ रही है। तो टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहां पे इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी 5 मैच जीत के आ रही है। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पे दोनों का लगभग इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं, लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें, तो जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का 50% देखने को मिल रहा है, तो वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 20%। एवरेज स्कोर की बात करें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 155 है, तो वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 145 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 220 है, तो वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 168 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 90 है, तो वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स का 110 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अब आगे चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो सम क्लाउड्स रहेगी, 14 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात करें, तो 74% रहेगी, वहीं 5% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे अभी तक 1 मैच खेला गया है, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें, तो 197 रन लग सकती है इस पिच पे। वहीं अगर सेकेंड इनिंग में देखें, तो सेकेंड इनिंग में 173 रन लगने की संभावना है। इस पिच पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है, तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल करनी पड़ सकती है चेस करने में, तो ज़्यादातर टीम के लिए प्लस पॉइंट होगी कि टॉस जीत के बैटिंग करें। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही है। पिछले मैच की बात करें, तो पिछला मैच भी काफ़ी अच्छा खेल के आ रही है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें, तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं अगर दूसरी टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, तो नो डाउट ये भी टीम काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपना बैटिंग सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अगेंस्ट इस्लामाबाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त भी होगी, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के की प्लेयर की बात करें, तो एलेक्स हेल्स, सदाफ खान, आजम खान, टॉम करन। वहीं दूसरी टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के की प्लेयर की बात करें, तो सरफराज अहमद, मार्टिन गुप्टिल, मोहम्मद हाफिज, ओडियन स्मिथ। ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।